हाय एवरीवन, मैं लोकेश कुमार अपने चैनल लोकेश 2575 में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने रेडिएटर से परेशान हैं, आप नया लाते हैं टूट जाता है, फिर लेकर आते हैं फिर टूट जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। आइए तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने जनरेटर की तरफ और अब आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हम भी बहुत परेशान थे, तो ये हमने खुद से, ये हमारा ही अपना जनरेटर है और हमने खुद ही अपने तरीके से मिस्त्री से ये तैयार कराया है। टोटल जानकारी हम देंगे, आप कहाँ से ख़रीदें, किस तरह से आप इसको A to Z सारी जानकारी हम इसमें आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, तो सामने देखने में इस तरह का ये जनरेटर लगता है जो हमारे 7.5 KV के जनरेटर पर इंस्टॉल होया हुआ है। फ्रेंड्स, ये सामने जो आप पाइप देख रहे हैं, ये स्टील मेटल के बने हुए हैं और इसमें ये ट्रिपल लेयर में हैं, 3 लाइनें हैं इसमें, जो ताकि हवा क्रॉस हो तो अच्छे से ठंडा कर पाए। और आप सामने देख सकते हैं इसकी थिकनेस भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अंदर जो स्टील के पाइप यूज़ हुए हैं, ये करीब 40 पाइप हैं। फ्रेंड्स, हम अभी आगे आपको काउंट करके भी दिखाएंगे। तो कुछ इस तरह का देखने में महसूस होता है। नीचे ये हमने इसमें ब्रास का यानी कि पीतल का बेल्ट कराया था। अब हम इसकी आपको चौड़ाई दिखाते हैं कि फ्रेंड्स कितना चौड़ा है ये। तो ये आप देख रहे होंगे, ये 22 इंच के लगभग इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये आपको हमने दिखाया थोड़ा, और अब हम आगे और इसके बारे में दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी हाइट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये भी करीब करीब, ये देखिए, हमने नीचे ठीक से लगा लिया है करीब, और ये भी लगभग 22 के आसपास ही है जो इसकी ऊंचाई है। फ्रेंड्स, ये 8 से 10 साल हो गए फ्रेंड्स, आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल जब से लगवाया है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब ये आप देख रहे हैं इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 3 इंच के आसपास है। फ्रेंड्स, मई जून के महीने में भी आप इसकी उंगली डाल लें इसके ऊपर, मतलब आपका हाथ तक नहीं जलाएगा, गर्म होना तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बढ़िया अपने आप में हम कहेंगे। अब ये देखिए, हम इसको काउंट कर रहे हैं, तो ये लगभग अगर हम इस तरह से काउंट करते हैं फ्रेंड्स इसको, तो ये करीब 40 बैठ जाएंगे। अब आप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा भी कर सकते हैं लंबाई का, कि कितना पाइप अगर आप लगवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हार्डवेयर की शॉप से आसानी से ये पाइप मिल जाते हैं, जो स्टील का पाइप वगैरह बेचते हैं। और जो ये ऊपर आप देख रहे हैं, जो बॉक्स बना हुआ है जिसमें पानी स्टोर है नीचे या ऊपर का या साइड का, तो ये हमने रेडिएटर शॉप से ही ख़रीदा था और हमने खुद से ही ये बनवाया है। तो भाई, आपको बता दें, करीब इसके अंदर लगभग 15 लीटर से 17 लीटर पानी आ जाता है। फ्रेंड्स, पानी कभी कम नहीं करता, क्योंकि गर्म नहीं होता तो भाप नहीं बनती, भाप नहीं बनेगी तो वो कम नहीं होगा, जाहिर सी बात है, आप खुद जानते हैं। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो किसी मैकेनिक को आप ये हमारी वीडियो दिखा के आप बनवा सकते हैं, बहुत कामयाब चीज़ है। मैं समझता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप ये हमारी ट्रॉली 12 HP की है, 7.5 KV पर काम कर रही है, अगर आप इस पर 15-20 HP के इंजन पे भी आप लगवाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें।